నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ని మండలంలో ప్రసిద్ధి గాంచిన షాతుల్లా హుసేని దర్గాలో నిర్వాహకులు దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారని భక్తులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దర్గా దర్శనానికి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ప్రతిరోజు భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. వక్ఫ్ బోర్డు పరిధిలో టెండర్లు వేసి వేలంపాట ద్వారా హక్కులను పొందిన నిర్వాహకులు వారి ఆధ్వర్యంలో దర్గా నిర్వహణ ఉంటుంది. నిర్వాహకుల టెండర్లో నియమాలను అతిక్రమించి వచ్చిన భక్తుల నుండి డబ్బులను అధికంగా వసూలు చేస్తూ దౌర్జన్యానికి పాల్పడుతున్నారని భక్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. దర్గా దర్శనానికి హిందూ, ముస్లిం కులమతాలకు అతీతంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. హైదరాబాద్కు చెందిన కొందరు ముస్లిం భక్తులను దౌర్జన్యంగా కొట్టి మరీ డబ్బులను వసూలు చేసిన సంఘటన చోటు చేసుకుంటున్నట్లు భక్తులు పేర్కొంటున్నారు. వీరి ఆగడాల కదుపు లేకుండా పోతుందని ప్రభుత్వ అధికారులు, వక్ఫ్ బోర్డు సభ్యులు చర్యలు తీసుకోవాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. हमारे दोस्त की न्यास से उनको ले लेके आए, दरगाह की ज़ियारत कर लेंगे, उनके ऊपर आए तुला की चादर ले लेंगे. ये ऊपर आते फर्स्ट एक गले में पैसे डालो बोल रहे हैं, फर्स्ट एक गले में पैसे डालो बोल रहे, फिर उसके बाद हो रहे एक गले में पैसे डालो बोल रहे. अब उसके बाद वो जहाँ चादर चढ़ाते हैं वहाँ पे हम उनको चादर दिए, चादर चढ़ा दो हमारी बोली, नहीं चादर चढ़ाने पैसे होते बोल के बोल रहे. नहीं रुको दिखा दो, चद्दर चढ़ाने पैसे होते बोल के बोल रहे. जब हम चद्दर चढ़ाने के किस लिए पैसे ले रहे हैं आप बोले तो नहीं आप नजराना देना पड़ता, आप खुशी से बोले तो हम दे देते. आप उन लोग जबरदस्ती कर रहे, जबरदस्ती कर रहे तो कौन देता साहब पैसे? उसी वही बात पे थोड़ी गाली गलौज कर दिए उन्होंने मुझे. मैं दरगाह में रहने की वजह से मैं कुछ नहीं बोला उनको, मेरे परिवार भी करे, चार पांच आदमी जो दरगाह के है ये आदमियां, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना. ये भगवोड कमेटी के जो आदमियां है ऐसे बेशरम जाहिल ऐसे आदमियों को यहाँ पे बिठा दिए जो एक गांव से आता. हम थोड़ा बहुत हमारे को मालूम है बोल के हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, जो छोटे छोटे गांव से आते हैं यहाँ पे दरगाह का नाम खराब कर रहे हैं लोग. जहाँ महाराष्ट्र से आते, उधर से आते, इधर से आते, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे लोग. एक हमारे सामने एक औरत आई, उन्हें बोली 1100 रूपये उसकी खुशी से दे रही, बोल के 1100 रूपये मामूली बात नहीं है, 1100 रूपये दो बोले तो उसको 1400 रूपये दिए तक उसको नहीं छोड़े. 1400 रूपये हमारे सामने उसको दिए तक नहीं छोड़े. ये पैसा कहाँ जा रहा, ये पैसा ले रहे उन्होंने रिकॉर्ड किसको दिखा रहे? रिकॉर्ड किसको भी नहीं दिखा रहे, ये अपने आप अपने जेब गरम कर ले रहे हैं. ये बगबोर्ड के कमेटी वाले सख्त से सख्त एक्शन लेना बड़े पहाड़ का. ऐसा करे तो साहब जो ये पब्लिक आ रही यहाँ पे आना बंद हो जाएंगी. यहाँ पे हजरत का नाम इन लोग खराब कर रहे है. देखिये इसलिए ऐसा वार करते है ना, हाथों पे ढकल देते, गाली गलौज करते अंदर. आप पढ़े लिखे दीनदार आदमी को अंदर रखना, आप गले कने कौन से बोले आदमी को कैसा छोड़ देते साहब. आप जो बगबोर्ड कमेटी के निजामबाद डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े हैं मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, हम ये बहुत करेंगे साहब. हम मीडिया में देंगे, सुब में देंगे, हर जगह देंगे. ये छोटा मार है, मार छोटा है मगर ये दरगाह के अंदर करने उनको सही है. हम उनके ऊपर गुस्से, हम इज्जत और एहतराम करते हम दरगाह का, इसलिए हम आए 60-70 किलोमीटर से आए साहब. हजरत के दीदार हो जाते बोलिए, ऐसा करते हैं लोग. हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम सबको दिखाएंगे. हम हमारे निजामबाद के एमएलए साहब के नहीं जाएंगे, यहाँ के एमएलए साहब के नहीं जाएंगे. हम हमारे वक्फ बोर्ड के, हमारे निजामबाद के जिम्मेदार यहाँ पे रहते, हम उनसे भी रहा होंगे. हम हमारे हरिद्रेस साहब को दिखाएंगे, हम सबको दिखाएंगे. हम खामोश बैठने वाले नहीं है. हम यहाँ पे सख्त से सख्त एक्शन लिए तक हो सका तो हम ये बड़े पहाड़ के गेट कन धरने पे बैठेंगे इन लोगों को हटाने के बाद. बस इतनी बात करके खत्म करता हूँ. सख्त से सख्त एक्शन होना इन लोगों का. शुरू करें क्या मालूम था, जो पैसे लिए थे ये भी उसमें से एक हजरत है. बोलो जी कहाँ से आए तुम, क्या है? मैं निजामबाद कंडेशन से आया भाई, यहाँ आके न्याज का आया था भाई. तो आएगी पहले 1100 रूपये कही बात ही बोलते, और यहाँ रूल है कहते अंदर घुसे था और दरगाह के उधर गए तो उन्होंने बोल रहे कि 500 रूपये पूछे. ये दरगाह है या क्या ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है, ये तो समझ नहीं आ रहा हमारा. कितने लिए आपने हमसे पैसे, कितने लिए, कितने लिए तुम बोलो, कितने मांगे उन्होंने? 1100 रूपये मांगे. पहले गले में कितने डाले आप? हम लोग बाद में डाले 500 रूपये. पहले गले में जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में 500 रूपये, 500 रूपये डाले. वहाँ पे कितने पूछे? वहाँ पे 551 पूछे. 551 दिए कितने? उधर 100 रूपये दिए. 100 रूपये जबरदस्ती कैसी कर रहे थे आप इन लोगों को? बोलो आप जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती कर रहे भैया, जबरदस्ती बहुत कर रहे. लड़ाई पे उतरने पे आ रहे हैं लोग भैया, नेता ले तो लड़ाई करने में उतर जाने का मार दे. मेरी भी बुरी थी लेकिन मैं बच गया. उतना ही क्या बचने का, देखो नहीं सारे नहीं, मैं दरगाह बोल के खामोश बैठा. मैं दरगाह के अलावा दूसरी जगह रहते तो हम खामोश बैठते थे हम लोग.